नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ पुलिस ने 7 आदतन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से 35,000 नगद समेत लाखों का सामान जब्त किया है। बिलाईगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 चोरों को एक बाइक, मोबाइल, टीवी, डीवीडी सहित नगद रुपये एवं अन्य सामानों के साथ धर दबोचा है। इन आदतन चोरों का पर्दाफाश तब हुआ जब नवंबर 2018 में ग्राम बास उरकुली में हुए 1,80,000 रुपए की चोरी का जांच कर पुलिस ने एक आरोपी को 10 दिन पहले जेल भेज दिया था। आरोपी से पूछताछ में पता चला था कि उक्त चोरी को अंजाम देने में मुख्य आरोपी संतनु भास्कर का मुख्य हाथ था, जिसके बाद से पुलिस ने चोरी के अंजाम देने वाले लोगों की पता साजी में जुट गई थी। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम टाडापारा में सभी आरोपी एक साथ हैं और बिलाईगढ़ ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। सभी आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ग्राम बासपुर कुली में हुए 1,80,000 रुपए को आपस में बराबर हिस्से में बांट लिए थे, जिसमें एक ने मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल खरीद लिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल बिलाईगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच में जुट गयी है। नवंबर 2018 में एक चोरी हुआ था बाउसर गुली में, जिसमें 1,80,000 की चोरी हुई थी। तो उसमें पुलिस के द्वारा अपराध पर जीवित कर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। तो इसी में एक चोर को हम लोग कुछ 10 दिन पहले जो है चोरी के अपराध में भेजे थे, जेल भेजे थे। उसी में लगातार इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक जो उनका जो मेन लीडर था संतानु, वो अपने छः साथियों के साथ में मिलकर उस जगह में चोरी किया था। तो पुलिस मुखबिर से सूचना मिली थी कि अपने घर के पास में आया, अपने घर आया हुआ है करके, उसको जब पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में पुलिस पूछताछ की तो बताया कि वहाँ पर उसने 1,80,000 की चोरी किया था और पैसे को आपस में लोग बांट लिए थे। बांटने के बाद जो पैसा था उसी पैसे से इन्होंने मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल खरीदा हुआ था। और उससे आगे जब पूछताछ किया तो बताया कि बौसर कुली में ही वो अलग अलग घरों में मोबाइल चोरी किया हुआ था, जिसका हमारे यहाँ अपराध पंजीकृत हुआ था। उसमें भी अपने को मोबाइल रिकवर हो गया है। और उसके अलावा उसके उस जहाँ का वो रहने वाला है टांडापारा का, उसके आसपास भी वो कई चोरी किया है, जिसमें मोबाइल हो गया, कूलर हो गया, बैटरी हो गया। उसके अलावा वो धारा सिंह में भी एक चोरी किया था, जिसमें टीवी और एक पीतल का अंडा था, वो भी रिकवर हो गया है। तो ऐसे मिला के एक मोटरसाइकिल अपने को बरामद हुआ है, एक टीवी बरामद हुआ है, एक रिसीवर बरामद हुआ है, 2 डीवीडी बरामद हुआ है, एक बॉक्स है, 10 नग मोबाइल है, पीतल का हंडा एक है, पानी मोटर एक है, बैटरी एक है और कूलर एक है, और लगभग 3800 रुपये अपने को अभी तक जब्त किए हैं। सर कितने आरोपी गिरफ्तार? आरोपी टोटल 7 आरोपी है। क्या आरोपियों का नाम? आरोपी का नाम है एक संतानु भास्कर है, संतानु भास्कर जो अपने 2 भाइयों के साथ, 2 भाई हैं इनके, सुधन भास्कर है, संजय भास्कर, एक लक्ष्मी सागर है, रोहित बंजारे है, बकर्रा सिदार है और लखन। किन किन धाराओं के प्रति कार्रवाई की जा रही है? ये 457, 380, 411 और 41-4 में कार्रवाई की गई है। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, एसीएन 24।